गुलबर्गा महानगर पालिके में कल दो लोगों ने घुसकर हेल्थ इंस्पेक्टर धनशट्टी पर हमला किया, जिसके बाद तमाम कॉरपोरेशन स्टाफ एहतजाज कर धनशट्टी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं हेल्थ इंस्पेक्टर धनशट्टी के साथ दो लोग हाथापाई कर रहे हैं। इस मामले पर धनशट्टी ने मीडिया से बात कर कहा, कुछ दिन पहले ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया था, उसी के लिए फोन पर गाली गलौज कर अविनाश और राजू नामी दो लोगों ने कॉरपोरेशन में घुसकर हमला किया और जान से मारने की धमकी दी है। ऑन ड्यूटी कॉरपोरेशन ऑफिस में गुंडागर्दी कर हेल्थ इंस्पेक्टर पर हुए हमले के खिलाफ तमाम कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन ने कॉरपोरेशन बिल्डिंग के बाहर एहतजाज कर एक्शन लेने की मांग की है। कॉरपोरेशन कमिश्नर ने एहतजाज के बाद पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात कर तमाम स्टाफ यूनियन को भरोसा दिलाया है कि अविनाश और राजू के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हदरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। 30 अगस्त शाम को 5 बजे हमारे कॉरपोरेशन ऑफिस में एक घटना हुई है। हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर धन शेट्टी है, उनके ऊपर कल दो आदमी आके अटैक करे। तो वो अटैक होने के बाद इमिडिएटली हमारे स्टाफ पुलिस स्टेशन भी गए थे FIR डालने के लिए, लेकिन वहाँ पे अभी आज सुबह भी मुझे इन्होंने मेमोरेंडम दिया है कि हम पे थोड़ा प्रेशराइज करके आप FIR डालने के बाद हम आपके ऊपर बाहर कुछ एक्शन लेंगे, पर्सनल अटैक करेंगे करके। इसलिए वो थोड़ा डर के सीनियर ऑफिसर्स का भी, इसलिए हमको या ये कंडीशन में हमको सपोर्ट चाहिए। इसलिए आज सब मेरे कॉरपोरेशन का स्टाफ आके मेमोरेंडम दिए है। इसमें मैंने अभी कमिश्नर साहब से भी बात किया है, ACP भी यहाँ पे आ गए हैं। तो इमिडिएटली जो ये घटना हुई है उसका CCTV फुटेज भी है हमारे पास, अभी मैंने CCTV फुटेज भी देखा। तो बहुत ही दिल दहलाने वाली ये घटना है। ऐसा कभी भी हमारे कॉरपोरेशन का स्टाफ या कोई भी गवर्नमेंट स्टाफ हो, हमेशा हम लोगों के साथ पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होता है। कभी कभी हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर्स जो है वो हमारा जो कॉरपोरेशन का फेस है वो होते हैं। कभी भी किसी को पेनल्टी डालना होता है या फिर किसी के ऊपर एक्शन लेना होता है तो इनको ही आगे आके इनके थ्रू ही हम लोग एक्शन लेते हैं। किसी को फॉर एग्जांपल कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का वायलेशन किया है तो उसको पेनल्टी डालना है, प्लास्टिक रूल्स का वायलेशन किया है तो उसको पेनल्टी डालना है, बैनर्स किसी ने इलीगल कटआउट वगैरह लगाया है तो उसके ऊपर पेनल्टी डालना है। तो हमेशा हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर्स ही इसमें आगे आके कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं। तो ये इशू लेके बहुत ही उनके ऊपर भी सामने से कभी कभी प्रेशर आता है, कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं पब्लिक के साथ। तो इस एनवायरनमेंट में इनको कोई भी दबाव ना आके अच्छे से काम करने के लिए उनको एक कॉन्फिडेंस चाहिए। वो कॉन्फिडेंस हम लोग कॉरपोरेशन की तरफ से एज अ कॉरपोरेशन कमिश्नर हम निश्चित रूप से ट्राई कर रहे हैं। अभी इमिडिएटली ACP उनको भी बुलाया है और चैम्बर में आके कंप्लेंट्स लेके इमिडिएटली FIR फाइल करके इवन इमिडिएट अरेस्ट करने का भी वो लोग ट्राई कर रहे हैं, ऐसा मुझे उन्होंने बताया है। तो इमिडिएटली हम लोग इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। सर ऑफिस पे हुआ, ऑफिस में ही हुआ है, कल 5 बजे हुआ है, उसका CCTV फुटेज भी हमारे पास। सही बात है, सही बात है। ये हमारे स्टाफ और ऑफिसर्स के ऑफिस में आके, ऑफिस में क्या कहीं पे भी ये घटना होनी नहीं चाहिए। लोगों को इसके बारे में थोड़ा लोगों को पता भी होना चाहिए कि इंडियन पिनल कोड में इसमें अलग अलग सेक्शंस है। गवर्नमेंट सर्वेंट पे अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कोई काम कर रहा है तो उसको काम नहीं करने देना, या फिर वो काम कर रहा है तो उसको उसके ऊपर ऐसे अटैक करना, तो उसके अंडर IPC में बहुत सारे सेक्शंस है, Section 353 भी है। तो इसके अंडर हमको एक्शन लेने का पावर होता है, इमिडिएट अरेस्ट भी इसमें पुलिस करती है। तो इसके अंडर ये जो आज घटना हुई है, पहले भी 2-3 बार ऐसा हुआ है करके हमारे स्टाफ अभी भी बताया है, तो इस बार तो हम निश्चित रूप से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इसमें कोई भी प्रेशर या कुछ भी आ जाए हम इसमें सहन नहीं करेंगे। ड्रॉप बॉस है सर, आप वापस इसके डिपार्टमेंट के, आप क्या तो भी सुनिए पुलिस डिपार्टमेंट को रिमांड करेंगे इसके बारे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बिल्कुल अभी भी बात करी मैंने कमिश्नर सर से, तो उन्होंने भी बोला है कि इमिडिएटली हम लोग इस पर एक्शन लेंगे करके। तो इमिडिएटली हम लोग अभी FIR फाइल करा रहे हैं। ओके, अविनाश भास्कर और राजू बोल के ट्रेड लाइसेंस के संबंध हमारे पास फ़ोन पे
दो तीन बार मेरे साथ डिस्कस किए, उनका ट्रेड लाइसेंस जो था उसको रिपोर्ट भी हम डाल के दिए, और एक चार पाँच दिन के बाद आके वो फाइल कहाँ है वो सब पूछने के बाद हम मूवमेंट रजिस्टर भी दिखाए उन लोगों को। दिखाने के बावजूद भी मेरे को कल 4 बजे फ़ोन करके ऊंच नीच बात किए, माँ बहन ऐसा बच्चों को किडनैप करूँगा, तेरे को यहाँ जीने नहीं दूँगा, तो थर्ड भी कैटेगरी है वो है, ऐसे गंदे गंदे बात किए सर। करने के बाद मैं बोला सीधा बात करो, बोलने के बाद तू कहाँ है बोल के पूछे तो मैं ऑफिस में ड्यूटी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आके ड्यूटी के ऊपर से शर्ट पकड़ के ऊपर लेके गए सर, हमारे जो उपायुक्त और कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर के कैबिन में लेके जाके एक मारे सर। मारने के बाद सर पूछे कि क्यों मार रहे, वो ऑलरेडी रिपोर्ट करके दिया बोल के मेरे को दिखाया अभी ऑलरेडी, मैं फ़ोन पे भी पूछे उनको तो क्यों मार रहे, मारना नहीं ऐसा कुछ भी है तो कंप्लेंट कर सकते मगर मारना नहीं बोल के बोले तो भी नहीं सुने सर, और एक मारे सर। उसके बाद उस दूसरा लोग आके उनको बाहर लेके गए, बाहर लेके जाने के बाद एक आधा घंटा वहाँ पे बाहर रहे, तुम बाहर आओ तेरे को मार के जाता हूँ, चाकू रहे तो मैं अभी इधर मर्डर करता हूँ, ऐसा वैसा बोल के जा रहा था सर। बाद में हम सब मिल के हमारा स्टाफ लोग सब आए, आने के बाद हम पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पे आया सर, वहाँ पे आके भी दरवाजे पे उसके साथ में और कोई था पकड़ रहा था, अंदर जाने नहीं दे रहा, तो भी छुड़ा लेके आके मेरे को बाहर तो आओ साले तू कैसा यहाँ गुलबर्गा में ड्यूटी करता, तो थर्ड भी लिंगायत है हम लोग कौन है बोल के तेरे को अभी नहीं मालूम, वो दिखाऊंगा बोल के धमकी डाल के दूसरे लोगों से भी हमारे स्टाफ से बोला कि तुम लोग हमारा होके भी उनको सपोर्ट कर रहे बोल के गंदे गंदे गालियाँ दे के गए सर। नहीं सर वो क्या है पता नहीं, कैटेगरी बता रहा था तू हिंदू है लिंगायत है ऐसा बोल रहा था सर। सर टाइमिंग क्या है जो लफड़ा होगा अभी आपका डिमांड क्या है सर? नहीं नहीं वो सर अभी यूनियन की तरफ से क्या एक्शन लेंगे हम सोच के, ऑफिस की तरफ से और यूनियन की तरफ से ये करते सर, हम यहाँ पे अभी हमारे को ड्यूटी करना है सर, और वो लोग यही एक रूट नहीं है सर, उन लोगों को 10 रूट रहता है आके कुछ भी हमारा दूसरा ये करे तो दूसरों को लगा के फोन लगा के हमारे को झगड़ा करने का कुछ भी ऐसा, हमारा काम तो ड्यूटी सुबह 5 बजे से चालू रहता सर, वो बोलता 5 बजे से घूमता ये गली में बोल के भी ऐसा बोल रहा था सर, ड्यूटी करना अभी गलत है ऐसा बोल रहा था सर, इसलिए यूनियन क्या बोलता वो सोच के बोल दिया। आपका नाम बोलिए। धन शेट्टी, हेल्थ इंस्पेक्टर हूँ सर मैं यहाँ कॉर्पोरेशन में। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.